हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख रहे हो, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से, BSSC की तरफ से इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति निकाला गया है, जो कि इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, कब से स्टार्ट होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब क्या मतलब सिलेबस है, क्या एज क्राइटेरिया है, पूरा इस वीडियो में समझ में आएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। और ये जो देख पा रहे नोटिफिकेशन, कहाँ से डाउनलोड करना है आप लोग को, यदि ये देखना है तो आप लोगों को लास्ट वीडियो का जो है खत्म होगा उसका 2 मिनट पहले देख लोगे। ये लास्ट में मैं बताऊंगा किस तरह से आपको ये डाउनलोड करना है, कि आप लोग अभी देखना है। तो आप लोग यदि सिर्फ देखना चाहते हो कि मैं देख के खुद पढ़ लूंगा, तो आप लोग सिंपली मेरा वीडियो के लास्ट 2 मिनट जाकर चेक कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगा किस तरह से इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, फिलहाल ये आप लोग को पूरा वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन भर सकता है, कौन कौन भर सकता है, क्या उम्र है, क्या योग्यता है, क्या मतलब क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरा इस वीडियो में समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख पा रहे हो, ये आप लोग का बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से निकाला गया, ठीक है। इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है। विज्ञापन संख्या देख पा रहे हो 2/2023 है, ठीक है। और ऑनलाइन तिथि प्रारंभ होने का कितना है, 27/9/2023, और अंतिम तिथि कितना है, 11/11/2023 है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, भारत भारत का नागरिक होना चाहिए। तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है जो कि भारत का नागरिक हो, ठीक है। मतलब आप भारत का नागरिक हो, फॉर्म फिलअप मतलब सब कर सकते हैं ऑल इंडिया से। लेकिन यदि बिहार से आप आते हो तो आप लोगों को ज्यादा प्रिफरेंस दिया जाएगा, आरक्षण ज्यादा मिला जाएगा, ठीक है। बिहार से आते हो तो आपको ज्यादा प्रिफरेंस मिला जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया, क्योंकि ये बिहार का फॉर्म है। तो अब देखो, आप जब नीचे आओगे तो आपको देखने को मिलेगा पद का नाम, ठीक है, विभाग का नाम, वेतनमान, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हो शैक्षणिक योग्यता देखने को मिलेगा, तकनीकी योग्यता देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोग का कितना किसका पोस्ट है आप लोग सब देखने को मिलेगा। तो पहला हम देखते हैं पद का नाम। पद का नाम क्या है हम लोग का, निम्न वर्गीय लिपिक, ठीक है। विभाग का नाम क्या है, पथ निर्माण विभाग, ठीक है। वेतनमान क्या है, लेवल 2 का वेतनमान मिलेगा आप लोग को। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, मतलब आप लोग 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और आप लोग का क्या है, कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग, टंकन, ठीक है, मतलब जो कि होता है टाइपिंग, आप लोग को पता होना चाहिए। और देख पा रहे यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे देखो दो चीज दिखेगा, कुल पदों की संख्या एक दिखेगा आप लोग को 38, एक दिखेगा 13। तो ये टोटल 38 है, और जिसमें से आप लोग का 35% क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है, जो कि 13 होता है। तो कहने का मतलब 38 में 13 महिला लोग का है। तो ये देख पा रहे हो अनारक्षित का लड़का लोग का कितना है, 2 कॉलम बना दिया गया, ये लड़का लोग का है, ये मतलब समझ लो ये है महिला का, जो कि 38 में से ही है, ठीक है। तो माइनस करोगे उतना लड़का लोग का होगा, एक चीज का समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये देख पा रहे हो अनारक्षित मतलब लड़का लोग का जनरल में 15 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 4 है, पिछड़ा वर्ग 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 7 है, अनुसूचित जाति जो कि SC होता है 6 है, अनुसूचित जनजाति जो कि ST होता है 1 होता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हो, इस तरह से आप लोग का देख पा रहे हो टोटल, आप लोग देख सकते हो बहुत सारा पोस्ट है। अपने मुताबिक देख लेना आपका कौन सा क्वालिफिकेशन, आप क्या कर सकते हो, देख के आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि आप देख लोगे इसके बाद आप देखोगे यहाँ 0 पोस्ट है, और बिना देखे मार दिए 0 पोस्ट तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए नोटिफिकेशन देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। आप लोग देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा सब डिटेल से बताने जाएंगे आप लोग एक एक कोर्ट, तो बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा। तो आप लोग देख लेना है, बस आप लोग का यही डाउट होगा कि दो चीज कॉलम दिया गया है, ये लड़का लोग का लिए है, ये लड़की लोग का लिए, और इसमें भी 35% क्या है, महिला लोग के लिए आरक्षण है, ठीक है। उम्मीद करते इतना दूर आप लोग समझ में आ गया होगा। देख पा रहे हो यहाँ पे दिया गया कि नोट में देखोगे आप लोग कि जो रिक्तियां है, मतलब जो ये वैकेंसी है कभी भी घट बढ़ सकती है, ठीक है, ये लोग साफ बता दिया गया है। अब देखो शैक्षणिक योग्यता देख पा रहे हो यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेख न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कहने का मतलब जो आप लोग का लास्ट डेट था, जो आप लोग का लास्ट डेट था, आप लोग लास्ट डेट कितना हम बताया अभी देख पा रहे हो, हम लोग देखते हैं 11/11/2023 तक आपको क्या हो जाना चाहिए, इंटर आप लोग का पास हो जाना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। देखो अब फिर यहाँ बताया गया आरक्षण के बारे में, देख पा रहे हो ऑनलाइन आवेदन करते समय यदि आप देखो यहाँ साफ साफ बोल गया, ऑनलाइन आवेदन करते समय नियत प्रविष्ट के अधीन अंकित आरक्षण का दावा नहीं करने वाले पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा, उन्हें सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा, ठीक है। तो यदि आप मतलब आरक्षण लेना चाहते हो तो आप SC ST OBC ही डालो, यदि आप आरक्षण डालोगे तो आपको मतलब कोई मतलब ये नहीं मिलेगा। तो एक चीज़ का रखना, यदि आप अदर कंट्री से मतलब अदर स्टेट से भी आते हो तो आप लोग जनरल में काउंट किया जाएगा, यहाँ साफ साफ बताया गया, ठीक है। तो देखो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या इतना इतना, दिनांक बिहार अधिनियम इतना इतना, क्या लोग में राज्यधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दे होगा, देखो मूल निवासी को दे होगा, यहाँ साफ साफ लिख दिया है, बिहार के राज्य से बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं होगा, ठीक है। बिहार से यदि अलग स्टेट से आते हो तो आप लोग लाभ नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय स्थायी निवास पत्र, सॉरी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
तथा निर्गत करने वाले प्राधिकारी का नाम और डेट जो होना है आप लोग अंकित करना होगा, जो काउंसलिंग के समय आपको दिखाना होगा, तो आप देख लेना है आप लोग को। जब तक फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो तो उससे पहले आप लोग बना लोगे, यदि नहीं है क्योंकि आप लोग का वहाँ आप लोग का निवास प्रमाण पत्र का नंबर और कौन मतलब इसको प्राधिकारी का नाम जो है पदनाम आप लोग को देना होगा, तो एक चीज़ का ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। इसके बाद यहाँ बताया गया कि आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण में किसी प्रकार का परिवर्तन किया नहीं जाएगा, ठीक है, और बाद में उसका कुछ विचार भी नहीं किया जाएगा। इसको उन लोग जो जो मतलब गलत आप लोग यदि भर देते हो तो एक चीज का सही देख के आप लोग ध्यानपूर्वक देख के आप लोग को भरना है, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ पे एक चीज बताया कि अनुसूचित जाति जो कि एससी होता है, अनुसूचित जनजाति जो कि एसटी होता है, के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास पत्र मान्य होगा। देख पा रहे हो अधिसूचित सक्षम मतलब ये द्वारा आप लोग का ये देख लेना आप लोग को मान्य होगा, ठीक है। संबंधित प्रमाण पत्र आप लोग काउंसलिंग के समय दिखाना होगा, तो ध्यानपूर्वक एकदम सही डाटा आप लोग को देना है, ठीक है। इसके बाद आप लोग का आरक्षण के डिटेल यहाँ बताया कि आप लोग अपने मुताबिक आके पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो स्वतंत्र सेनानी जो पोता पोती होता है वो लोग के लिए भी कुछ है, आप लोग आके पढ़ लेना, ठीक है, एकदम मुताबिक आप लोग यदि ऐसा कैंडिडेट हो तो। अब देखो उम्र सीमा की डायरेक्टली हम आ जाते हैं, उम्र सीमा, उम्र सीमा की बात करें तो आप लोग का 1/8 2023 को काउंट होगा, मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, और जो अनारक्षित मतलब जनरल लोग का कितना हो 37 वर्ष, और महिला लोग का कितना है जनरल में 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 40 वर्ष होगा, चाहे पुरुष पुरुष हो या महिला हो, और अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी पुरुष या महिला दोनों का 42 वर्ष तक ये फॉर्म भर सकता है। एक चीज आप लोग को इतना दूर पता चल गया होगा, ठीक है। अब जब आप नीचे जाओगे, नीचे आओगे आप लोग तो आप लोग यहाँ देखने मिलेगा परीक्षा शुल्क। तो परीक्षा शुल्क की बात करें तो देखो जनरल पिछड़ा वर्ग ओबीसी मतलब जो आता है दो कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों को 540 रुपया, और अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के बिहार के स्थायी निवासी को 135 रुपया देना होगा, और सभी श्रेणियों के दिव्यांग मतलब विकलांग को भी कितना 135 रुपया देना होगा, और सभी श्रेणी के महिलाओं को सिर्फ बिहार के निवासी के लिए, ठीक है। सभी श्रेणी के कोई भी महिला हो चाहे बिहार से आता होगा तो वो लोग को भी 135 रुपया लगेगा, लेकिन बिहार से अदर कंट्री चाहे महिला हो पुरुष हो वो लोग को 540 रुपया ही पे करना होगा, या साफ साफ बोल दिया गया है, ठीक है। अब नीचे जब आओगे तो परीक्षा शुल्क की राशि, प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग चार्ज एवं सेवा कर अभ्यर्थियों द्वारा अलग वहन किया जाएगा। परीक्षा शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग द्वारा माध्यम से जाओगे तो जो ये जो फीस लगेगा आप लोग समझ लो कि महिला से आते हो 135 रुपया लग रहा, लेकिन इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस और सर्विसिंग टेस्ट जो है अलग आप लोग को लगाया जाएगा, वो आप लोग को बताया जाएगा उसी टाइम आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। यहाँ बता दिया गया है, देखो यहाँ बताया गया कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से इतना इतना मतलब 27 मार्च जो स्टार्ट होगा इतना तक जमा कर सकेंगे, ठीक है। मात्र रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करने से ये नहीं माना जाएगा कि अभ्यर्थियों द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया, तो परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। तो यदि आप लोग समझ लो कि पेमेंट ये हमको लग रहा है ये जो लिखा गया है इसका मतलब ये लोग पेमेंट फर्स्ट में ही लेगा, इसका मतलब आप जो पेमेंट कर भी देते हो आप फॉर्म कंप्लीट नहीं करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये साफ साफ लिख दिया गया है वो लोग का, ठीक है। अब देखो परीक्षा की प्रगति दिया गया है, वस्तुनिष्ठ बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। 40,000 से ज़्यादा होगा तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी, ठीक है। यदि 40,000 से अधिक हो गया तो 100 चरण में परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति होगी, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम में कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन होगा, तो 5 गुना आप लोग का क्या होगा चयन लिया जाएगा, ठीक है। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, और जब मुख्य परीक्षा होगा उसके लिए अलग से विज्ञापन क्या जारी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पूछा गया कि क्या क्या आप लोग का सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता जाँच, तो अपने मुताबिक देखने लेना आप लोग क्या है, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक चीज़ और बताया गया, प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प होंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर, ठीक है, 1 अंक कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो देखो यहाँ एक बहुत अच्छा चीज़ बताया गया, अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में अगर कोई भिन्नता होगी तो आप लोग का अंग्रेजी के प्रश्न को मान्य होगा, तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए। इंग्लिश का प्रश्न आप लोग का हिंदी का प्रश्न यदि गलत रहता है तो आपको हिंदी देख इंग्लिश देख के यदि कोई डाउट हो आप लोग एग्जाम में कि हिंदी का प्रश्न गलत है तो इंग्लिश देख के आप लोग को करना है, क्योंकि इंग्लिश का प्रश्न मान्य होगा, यहाँ बता दिया गया है। अब यहाँ सिलेबस बताया गया है ताकि अपने मुताबिक सिलेबस आप लोग देख सकते हो, ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग। अब देख पा रहे हो क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग का क्या है, यहाँ देख पा रहे हो सामान्य वर्ग का 40%, पिछड़ा वर्ग का 36.5%, यहाँ पे आके आप लोग एक डिटेल देख सकते हो, ठीक है। अब ऑनलाइन तिथि जो आप लोग का 27 मई से स्टार्ट होगा, 11/11/2023 तक आप लोग को फॉर्म फिलअप होगा, जो कि मैंने पहले ही आप लोग बता दिया। अब अपने मुताबिक आके टोटल डिटेल मैंने बता दिया, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब अपने मुताबिक कोई डाउट हो तो आप लोग चेक कर सकते हो। खाली एक चीज़ ध्यान रखना है, जब से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा मतलब आप लोग का जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, फॉर्म फिलअप जिस स्टार्ट होगा 27/9/23 से
इतना तक के बीच, मतलब 27-9 से पहले ही आप लोग क्या करना है, जाति आवास या आईडी एस सी एस टी ओबीसी किसी से भी आते हो तो आप लोग बना के रख लेना, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने टाइम ये सब लगेगा, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आप लोग को, ठीक है? तो बना के रख लेना, ठीक है? अब आप लोगों को मैं बता देता हूँ आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना, ठीक है? ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करना, सिंपली आपको क्या करना है, गूगल खोल लेना आप लोग, ठीक है? मैं बताता हूँ आपको, सिंपली आपको गूगल खोल लेना है, कहाँ से वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, सिंपली गूगल खोल लेना है, गूगल पे आपको बी एस एस सी लिख लेना है, ठीक है? और इंटर कर देना, जैसे इंटर करोगे नीचे आओगे आप लोग नोटिस बोर्ड का सेक्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे देख पा रहे जो विज्ञापन है कि आप लोग को बताया हम 2/23 है, 2023 है, यहीं पे दो आप लोग को देखने को मिलेगा। जो ऊपर वाला क्लिक करोगे तो आप लोग को यही देखने को मिल जाएगा जो आप लोग को मैम ने अभी बताया कि आप लोग का फॉर्म फिलअप 27/9/2000 से ये शॉर्ट नोटिस है, ठीक है? इतना इतना के बीच आप लोग का किया जाएगा, आप लोग फॉर्म भर सकते हो, ठीक है? ये टोटल डिटेल बताया गया और पूरी डिटेल में आप लोग पढ़ना पढ़ना जो मैंने नोटिफिकेशन बताया वो आप लोग को देखना है, तो क्लिक हेयर पर व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट ये वाला क्लिक करना आप लोग को। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आप लोग का वो नोटिस जो मैंने आप लोग को बताया, देखो अभी डाउनलोड हो रहा थोड़ा बड़ा पीडीएफ है, ठीक है? देख पा रहे डाउनलोड हो रहा है थोड़ा, ये बड़ा पीडीएफ आपको टाइम लग सकता है, ठीक है? देखो अब हो जाएगा, देखो ये हो चुका, देखो 8 पेज का पीडीएफ है, आप ये डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है? अपने मुताबिक जो कोई डाउट होगा पढ़ सकते हो, हालांकि मैंने सब चीज बता दिया है जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स है आप देख सकते हो। और एक चीज, जिस दिन से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, समझ लो कि 27/9/2023 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, उसी दिन मैं आप लोग को अलग से वीडियो बना दूंगा किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि कुछ भी गलती करोगे आप लोग का बहुत ही दिक्कत होता है, क्योंकि बिहार का फॉर्म है जो बीपीएससी के टाइम पता होगा आप लोग का बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स या बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था फॉर्म फिलअप, तो उसमें भी ये लोग का होगा, बिहार का हर फॉर्म में कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि कुछ गलती फॉर्म फिलअप नहीं करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि वैकेंसी से रिलेटेड फॉर्म फिलअप से रिलेटेड डेली आपको कुछ ना कुछ आपको इस चैनल से अपडेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है।